नमस्कार। आज मेरे दिमाग में आया कि जिस तरह हम कंप्यूटर में इंटरनेट वगैरह में करते हैं, वह एक पासवर्ड होता है, कोड होते हैं। और आप जैसे कि YouTube में कुछ अपलोड करते हो, उसका भी एक कोड सा होता है, पासवर्ड होता है, एक लिंक होता है। शायद आत्मा का भी एक लिंक होता है, एक पासवर्ड होता है, एक कोड होता है। उस पर कई प्रकार की चीज़ें होती हैं कोड में। पहले एक स्टेबल कोड होता है जो आत्मा का होता है, दूसरा कोड होता है उसके रिलेशंस का, जो रिश्ते उसके साथ अटैच रहेंगे। फिर एक कोड होता है उसकी कर्मों का, एक कोड होता है उसका कौन सा जन्म है, कितने पहले जन्म हो चुके हैं। इस तरीके से उसके एक कोडिफाई होता है कि उसमें आप कितना क्या क्या कर्म है, सब कुछ उसमें होता है, इंक्लूड होता है। और एक है कि उसकी जो अब जन्म है उसमें कितना उसका, कितने उसके श्वास हैं, ये श्वास भी उसमें होते हैं। इसी कोड के आधार पे उसके अगले जन्म का अपने आप कंप्यूटराइज फार्मूला होता है। भगवान का सिस्टम तो हमारे सिस्टम से बहुत एडवांस्ड है। हमने तो इंटरनेट की खोज अब की है, उसके प्रबंध तो लाखों करोड़ों साल पहले ही कर ली थी इसकी खोज। उसने तो सब दुनिया बनाई है, अभी तो साइंस उसके 1% को भी नहीं जानती। तो उसके जो कोडिंग सिस्टम है उसमें सारा कुछ आपका इंक्लूड हो जाता है, और आपके अगले जन्म पिछले जन्म सब कुछ उसी में आ जाते हैं। ये मेरे विचार हैं। आप कितने सही हैं, क्या है, इसके बाद रिसर्च चाहिए। अगर इस पर भी रिसर्च की जाए तो हम आत्मा की जो कोडिफिकेशन है, उसका जन्म पहले कब हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या उसने कर्म किए। जैसा कि कृष्ण भगवान ने भी अर्जुन को कहा कि तेरे मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, तुझे याद नहीं, मुझे याद है। तो ये सिस्टम जो है ना, शायद कोडिफिकेशन का है। उसको पता है पासवर्ड, कोड, लिंक, ये सब भगवान को उसकी पूरी उसको नॉलेज है, हमें नॉलेज नहीं है। तो इसलिए ये जो सिस्टम है शायद ऐसा ही हो सकता है। इस पर विचार करो, रिसर्च करो, चर्चा करो, शायद प्रभु के मिलने की राह खुल जाएगी। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।